महेंद्रगढ़ जिले के खंड सतनाली के गांव सुरेती पिलानिया में जमीनी विवाद को लेकर हुआ झगड़ा में लाठी डंडों सहित कुल्हाड़ी हाथों में लिए बाइक पिकअप गाड़ी चलाने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में किया मामला दर्ज व जांच में जुटी। जिला महेंद्रगढ़ के गांव सरेती पिलानिया में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस झगड़े में घायल एक पक्ष कल देर शाम अपनी शिकायत लेकर डीसी निवास पर पहुंचा और कार्रवाई ना होने का आरोप लगा रहे थे। आज वे लघु सचिवालय महेंद्रगढ़ में एसडीएम से मिलने पहुंचे थे। मेरा नाम जुगवीर सनोफ जयलाल वासी सुरेती पिलानिया। हमारे सतनाली की सीम में सर जमीन पड़ती है, वहाँ छोटी सुरेती का बिंदु उर्फ धर्मदेव 70 आदमी से 4 ट्रैक्टर ले गए और मतलब 6 एकड़ फसल को दहेज नहस कर गया। हमारे दो भाइयों के चोटें आई हैं, लेडीज से पत्ती बेची करी है, एक गाड़ी जला दी पिकअप और एक झोपड़ी थी वो जला दी, उसमें 5 लाख रुपया के लगभग रुपये थे, घरेलू सामान था, जड़ पे खाक हो गया। आज एक दो आदमी को भाई को वहाँ उसमें डाल रहे थे, वो जान बचा कर मुश्किल से बाहर निकले, पड़ोसियों ने आके छुटाई गुहार लगाई। किस बात को लेके झगड़ा शुरू? झगड़ा ये चीज मतलब हमने बयाना करा रखा है, इसने रजिस्ट्री करवा की है, इसके मतलब 13-14 कनाल जमीन आवा है, इसने पूरी मतलब पूरी जमीन ने अटकू है। 6 महीने पहले इसने गांव बारड़ा में पंचायत मंत्र की जमीन का अवैध कब्जा कराया था, वो चैनलों में भी चला था, अखबार में भी आया था, वो केस है ये, मतलब इसे ऊपर से संरक्षण प्राप्त है, वो माफिया है। इस मामले में कोई कोर्ट केस भी चल रहा है क्या? इस मामले में कोर्ट केस रहेगा, 21 जुलाई उसकी तारीख है सर, ये मतलब सिविल कोर्ट में चल रहा है महेंद्रगढ़। अभी आप एसडीएम साहब के पास पहुंचे तो क्या? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मतलब पटवारी बुलाए हैं और अदर मतलब जो हमारी विपक्ष की पार्टी है वो बुलाई है, और बैठ जाओ यहाँ से तुम्हारे मतलब समाधान करेंगे। कल सतनाली थाना के एरिया में जुगवीर नाम का व्यक्ति सुरेती पिलानिया का है, उसने एक कंप्लेंट दी है जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ है। तो किसी जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष हैं, जो दोनों पक्ष अपनी अपनी जमीन बता रहे हैं, उस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। तो अभी तक जुगवीर की दरखास्त पे एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरे पक्ष का भी पता लग गया, अभी भी दो उनके भी चोटें लगे हुए हैं, दो एडमिट हैं, तो उनका भी बयान लिया जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के अंदर एक गाड़ी जलती हुई दिखाई दे रही है, लाठी डंडे कुल्हाड़ी दिख रही है, उसको लेकर किन किन धाराओं में मामला दर्ज? तो जो गाड़ी जली हुई है उसकी भी धारा 435 IPC लगाई गई है, जो लाठी डंडे वगैरह आदमी लिए हुए हैं 148 वगैरह IPC लगा कर FIR दर्ज की गई है। तो जिसका जो भी रोल बनेगा उसके अनुसार तफ्तीश पूरी करके इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चलान दिया जाएगा। महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा की रिपोर्ट।